सो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर आपके साथ सामने हाजिर हूं मैं। कंपनी अकाउंट्स 12th क्लास शेयर्स में कुछ जो हमारा बैलेंस बचा था उसको हम देखते हैं। तो हमने उसमें सारी चीजें पढ़ ली थी, सिर्फ हमें बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन देखना था, वो हम आज अभी देख रहे हैं। तो देखिए, फॉर्मेट आपका बैलेंस शीट का कैसा है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनता है कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से, और वो इस तरीके से बैलेंस शीट बनता है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, आपको 2 साल का फिगर देना पड़ता है, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का, इस साल का और पिछले साल का। शेयर होल्डर फंड में आपको शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस देना पड़ता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म डिफर्ड। इस तरीके से आपको ये पूरा बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रेस्क्राइब्स द डिटेल्स ऑफ आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट आर गिवेन टू बी नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स भी इसके साथ बनाना पड़ता है। हमें ये बैलेंस शीट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो थर्ड पार्ट में समझना है। यहाँ पर सिर्फ हमें शेयर का प्रेजेंटेशन देखना है, इसलिए हम सिर्फ शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन यहाँ पर देख रहे हैं। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन अ कंपनीज बैलेंस शीट क्या है? शेयर कैपिटल इज शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट एज फॉलोज। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, पर्टिकुलर इक्विटी एंड लाइबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल और इसी के साथ नीचे रिजर्व एंड सरप्लस दिखाना पड़ता है। तो हम नोट्स में समझते हैं किस तरीके से प्रेजेंटेशन हो। देखिए, जब से कंपनी जब 2013 आया है तब से हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट बदल गया है। हमें क्या करना पड़ता है? सिर्फ शेयर कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में लिखना है, और उसका जो भी प्रेजेंटेशन है कि अमाउंट कैसे आया, कहाँ से आया, उसका पूरा प्रेजेंटेशन नोट्स टू अकाउंट्स में होता है। और नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे होता है? देखिए, यहाँ पर नोट नंबर डल जाता है और यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर 1 डाला है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल को किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो देखते हैं हम। शेयर कैपिटल में किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है वो देख लेते हैं हम। तो देखिए, शेयर कैपिटल में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, इसी के साथ रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है। नोट्स टू अकाउंट्स में आए शेयर कैपिटल में अथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अथोराइज्ड शेयर कैपिटल में कैसे लिखना है? इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज दिस, प्रेफरेंस शेयर ऑफ दिस। मतलब जैसे मान लीजिए आपने कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए, 15,000 इक्विटी और 5,000 प्रेफरेंस, तो उसको कैसे लिखेंगे? वो 15,000 यहाँ पर लिख देंगे, यहां पर 15,000 लिख देंगे, यहाँ पे 15,000 लिख देंगे, और 10 रुपए का एक शेयर है तो उसको यहाँ लिख देंगे, और यहां पर लिख देंगे 1.5 लाख रुपए। यहाँ पे 1.5 लाख रुपए लिख दिया। प्रेफरेंस शेयर में बचा हुआ 5,000 यहाँ लिख दिया, के मतलब 1,000, और मान लीजिए 100 रुपए का है तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ टोटल आ जाएगा 6.5 लाख, ऐसे आ जाएगा। इशूड में फिर वही जितने शेयर इशू होंगे उतने शेयर इशूड में आ जाएंगे। मान लीजिए आपने 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए तो 10,000 लिख देंगे आप इशूड में, और उनका जो भी प्राइस है 10 रुपए, 20 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, जो भी है, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, बिना प्रीमियम का जो अमाउंट होगा उसको अपन यहाँ लिख देंगे। ठीक है बच्चों? जो भी बिना प्रीमियम का अमाउंट होगा उसको अपन यहाँ पर फेस वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर में भी। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो पूरा पैसा दे देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं नालायक टाइप के महापुरुष होते हैं वो पैसा पूरा नहीं देते हैं। कॉल सिनेरियर जो आप पढ़ चुके हैं,
उनका प्रेजेंटेशन फुल्ली पेड जो है उनका यहाँ, और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड में यहाँ जाएगा। मान लीजिए यहाँ 15,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, कॉल्ड अप है 10 रुपए, तो यहाँ जाएगा लेस कॉल इन अरियर हो जाएगा, ऐसे ही प्रिफरेंस ईयर में भी हो जाएगा अमाउंट टू बी सोन इन बैलेंस शीट। और ये वाला जो अमाउंट है ये जो यहां पर ये जो अमाउंट आएगा ये वाला, यही यहां पर आएगा और यही बैलेंस शीट में जाएगा। यहां तक का जो भी अमाउंट है, इसके ऊपर का जो भी इधर का अमाउंट है, वो अमाउंट बैलेंस शीट में नहीं जाता है। बैलेंस शीट में सिर्फ ये अमाउंट जाता है, ये वाला, ये, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, कि हमारा प्रेजेंटेशन कैसा होगा। देखिए, when subscribed are fully paid up, strong limited is registered with a capital of rupees, यहाँ पर रुपया लिखा हुआ है, इस बात का आप ध्यान रखें कि यहाँ पर क्या लिखा है, रुपीज। क्वेश्चन जब भी आप पढ़ें तो पूरे होशो हवास बिना किसी नशे पत्ती के ध्यान रखें कि यहाँ पर रुपीज लिखा है या फिर शेयर्स लिखा है। तो 10 लाख रुपए हैं और डिवाइडेड है 1 लाख शेयर्स में, और एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपए। इशू किए हैं कंपनी ने 75,000 इक्विटी शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन, रिसीव हुई है एप्लीकेशन 75,000। तो जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है उतने से ही एंट्री होगी, क्योंकि केस अंडर सब्सक्रिप्शन का है, ओवर सब्सक्रिप्शन का नहीं है। जब केस ओवर सब्सक्रिप्शन का आएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, जितने कंपनी शेयर इशू कर रही है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गई तो ओवर सब्सक्रिप्शन है। जैसे इस क्वेश्चन में 75,000 शेयर कंपनी ने इशू किए और एप्लीकेशन 75 से ज्यादा आती है, 80, 75, 76, 78, whatever, 75 से अबव यदि एप्लीकेशन आती तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता, लेकिन 75 से कम एप्लीकेशन आई है तो ये क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हमको जितने एप्लीकेशन आई है उसी से काम चलाना है। तो 70,000 की एप्लीकेशन आई है और 70,000 से ही हमें काम चलाना है। देखिए, बैलेंस शीट में आप किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे ये देखते हैं हम। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल लिख देंगे और नोट नंबर यहां लिख देंगे। अभी ये 7 लाख यहां लिखा है, ये कैसे आया, यहां देखिए, नोट्स टू अकाउंट्स में आए तो शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, 1 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है, टोटल 10 लाख हो गया। इशूड है 75,000 शेयर इशू हुए हैं, 10 का 1 है, 7.5 लाख ये हो गया। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल है कितनी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड फुल्ली पेड है क्योंकि पूरा पैसा मिल गया है, तो 70,000 शेयर पे 10 रुपए यानी 7 लाख। और यही 7 लाख रुपए कहाँ चले गए, हमारी बैलेंस शीट में, क्योंकि यही आ जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड पेड ही बैलेंस शीट में जाएगा। सब्सक्राइब्ड एंड पेड के अलावा बैलेंस शीट में कुछ भी दूसरा आइटम नहीं जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जहां पर फुल्ली पेड नहीं है, फुल्ली कॉल्ड अप नहीं हुआ, फुल्ली कॉल्ड अप मतलब 10 रुपए का एक शेयर था, पूरा कंपनी ने 10 मांग लिया, यहाँ पर 10 का शेयर होगा तो कंपनी पूरा 10 नहीं मांगेगी। देखिए, 1 अप्रैल को विवेक लिमिटेड ने इशू किए हैं, अथोराइज्ड है इनके इतने शेयर, अथोराइज्ड में रुपया दिया है हमें, शेयर से मतलब है, डिवाइडेड इंटू 2 लाख इक्विटी शेयर आप 50 ईच, 2 लाख शेयर है, 2 लाख शेयर है और 50 रुपए का एक शेयर है, ये आप ध्यान रखें। कंपनी इशूड प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन, कंपनी ने 1,80,000 शेयर इशू कर दिए, एप्लीकेशन है 15 रुपए, अलॉटमेंट है 20 रुपए और ऑन कॉल है बैलेंस। देखिए, 50 में से 15 और 20 35 हो गए, यानी 15 और बचे हैं जो कहां लेंगे, कॉल में। ये 50 रुपए का एक शेयर है, इसमें से माइनस हो गए 15 एप्लीकेशन के, माइनस हो गए 20 अलॉटमेंट के, और बचे कितने, बैलेंस कितना बचा 15, ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ पर बैलेंस अमाउंट में, ये 15 रुपीज चले जाएंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड कंपनी अलॉटेड शेयर्स टू ऑल एप्लीकेंट। कंपनी ने क्या कर दिया,
सारे के सारे शेयर अलॉट कर दिए। द फुल्ली सब्सक्राइब्ड अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट द कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में कंपनी ने ये वाला पैसा यानी ये 15 रुपए नहीं मांगे। तो अब प्रेजेंटेशन कैसा होगा ये देखिए बच्चों, देखते हैं हम, बढ़ाते हैं आगे। देखिए कंपनी शेयर कैपिटल बनाना है पार्ट 3 के हिसाब से, नोट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल में 63 लाख कैसे आया है नोट में दिखाया है। शेयर कैपिटल में से अथोराइज्ड सबसे पहले 2 लाख शेयर हैं, 50 रुपए का एक, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 लाख शेयर हैं और 50 रुपए का एक, टोटल 1 करोड़ रुपया होता है। तो ये यहाँ चला गया 1 करोड़। उसमें इशूड में 1,80,000 शेयर इशू हुए हैं, 50 का एक है तो 90 लाख यहाँ आ गया। सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप में क्या है 1,80,000 शेयर हैं, कंपनी ने 35 रुपए ही मांगे थे तो यहां पर कंपनी ने सिर्फ 35 से मल्टीप्लाई किया है। यहां पर कंपनी ने क्या किया, 1,80,000 मल्टीप्लाई कर दिया 35 का, तो ये क्या हो गया 63 लाख आ गया और यही बैलेंस शीट में अमाउंट लिखा गया। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे देखते हैं एक और एग्जांपल, सिंपल मशीन लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ अथोराइज्ड कैपिटल, 50 लाख रुपए इसकी अथोराइज्ड कैपिटल है, 4 लाख शेयर हैं, 10 लाख का एक, 10 रुपए का एक शेयर है, 10,000 प्रिफरेंस शेयर हैं, 100 रुपए का एक है। कंपनी ने 2,75,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं और 10,000 प्रिफरेंस शेयर इशू किए हैं। इक्विटी पे 80 रुपए मांगा कंपनी ने और प्रेफरेंस पे पूरा। इसका प्रेजेंटेशन सिंपल, इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल में क्या जाएगा ये देखिए, शेयर कैपिटल में आया अथोराइज्ड शेयर कैपिटल में इक्विटी आ गया 40,000 और यहाँ पे 10,000, 10 रुपए और 100 रुपए मल्टीप्लाई करके यहाँ 50 लाख आ गया। फिर इशू कितने कम किए हैं कंपनी ने, 2,75,000 और 10,000, तो ये इशूड आ गई। उसके बाद आता है पेड अप और पेड अप ही बैलेंस शीट में जाता है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप जो है 2,50,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए के, प्रेफरेंस शेयर बट नॉट पेड में 10,000 शेयर हैं और 100 रुपए 80 कॉल्ड है पे 80 रुपए ही लोगों ने दिए, तो यहाँ 8,25,000 और 8,37,00,000 रुपए बैलेंस शीट में चले गए। उसके बाद एक और इलस्ट्रेशन देखिए, कंपनी ने अभी यहाँ पर पूरा बंदे ने पेमेंट नहीं दिया है, 20,000 शेयर कंपनी ने इशू करे 10 रुपए का एक और पूरे 10 रुपए लेना है। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन कैश, जो पैसा आया है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से एसेट्स पर भी जाएगा। शेयर कैपिटल का नोट्स देखिए, अथोराइज्ड है इतनी आ गई, दिया नहीं था अथोराइज्ड कितने हैं तो सिर्फ 10 रुपए का एक शेयर लिख के छोड़ दिया। उसके बाद इशूड है 20,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, 2 लाख सब्सक्राइब्ड में पूरा पैसा आ गया और पूरा कैश एंड बैंक में शेयर में चले गया। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि शेयर प्रीमियम को हम बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से, और यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो कहाँ कहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए कर सकते हैं, जो ऑलरेडी मेंबर हैं उनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में इशू कर सकते हैं, राइट ऑफ एक्सपेंसेस कर सकते हैं, कमीशन डिस्काउंट जो डिबेंचर पर है, शेयर पर जो कमीशन डिस्काउंट है वो नहीं, सिर्फ डिबेंचर वाला है ना, ये ध्यान रखना। यदि आप प्रिफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं तो उसके रिडम्पशन में जो प्रीमियम चुकाएंगे
यानी जो एक्स्ट्रा 100 रुपए का एक प्रिफरेंस शेयर है और आप खरीद रहे हैं उसको 120 में, तो 20 रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो प्रीमियम है। उस प्रीमियम पर को आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम से खत्म कर सकते हैं इन परचेजिंग ऑफ इट्स ओन शेयर्स। बायबैक यदि कंपनी करती है, अपने खुद के शेयर खरीदती है, तो वहां पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कर सकती है। फिर हम आगे आए तो हम कॉल्स इन अरियर के केस में देखते हैं कि बैलेंस शीट में किस तरीके का प्रेजेंटेशन होगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मिस्ट लिमिटेड हैज इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, कॉल्ड अप है 10 रुपए, रिसीव्ड अमाउंट है 10 रुपए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये तो सिंपल प्रेजेंटेशन है, हमें फुल्ली नॉट पेड का ये देखना है। फिफ्थ एवेन्यू लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड विथ अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 1,50,000, इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, 1 लाख का इक्विटी शेयर है, कॉल्ड अप है नॉमिनल फेस वैल्यू 10 रुपए एंड रिसीव्ड द अमाउंट एक्सेप्ट फाइनल कॉल। देखो 10,000 शेयर पे 3 रुपए अपने को नहीं मिले हैं, बाकी पूरा पैसा मिल गया है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में देखिए, शेयर कैपिटल में अथोराइज्ड 1.5 लाख शेयर है, 100 रुपए का है तो 15 लाख, इशू हमने 1 लाख शेयर किए 10 रुपए, 10 लाख, सब्सक्राइब्ड एंड पेड में 2 कैटेगरी हो जाएगी, फुल्ली पेड और नॉट फुल्ली पेड। फुल्ली क्योंकि चूंकि 3 रुपए नहीं मिले हैं इसलिए नॉट फुल्ली पेड, और फुल्ली पेड मतलब देखो 90,000, 1 लाख शेयर इशू किए, 90,000 पे 10 रुपए, पूरे 9 लाख रुपए मिल गए, लेकिन 10,000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने 3 रुपया फाइनल कॉल का नहीं दिया। तो पहले आप यहाँ पे 10,000 जितने शेयर पर नहीं मिले हैं और उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो फेस वैल्यू कहें या फिर कॉल्ड अप वैल्यू कहें, यहाँ कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा और लेस हो जाएंगे कॉल सिनेरियर जो 3 रुपए नहीं मिले हैं, ये ध्यान रखना, कॉल सिनेरियर यहाँ से माइनस हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा 70,000, 9,70,000 ये हमारे बैलेंस शीट में दिखेगा, ठीक है, बैलेंस शीट में यही अमाउंट दिखेगा, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स में ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर इशू ऑफ शेयर इन, ठीक है, इन काइंड में यदि आपने शेयर इशू किया तो प्रेजेंटेशन भी वैसा ही होगा, इशूड शेयर कैपिटल आ जाएगी, फुल्ली पेड नॉट फुल्ली पेड यदि कॉल सिनेरियर है तो वो माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आपका बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। रही बात कैश बुक की, तो कैश बुक सिलेबस में हमारे नहीं है इसलिए कैश बुक नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको आप बार बार देख लीजिए। ये एग्जाम्पल ये पीडीएफ फाइल में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप इसको नोट कर लीजिए, या फिर टीएस ग्रेवाल का से मैंने इसकी पीडीएफ फाइल बनाई है, आपके पास यदि है पीडी तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक है उसको डाउनलोड कर लें, वहां से पढ़ाई करें, जितनी बार वीडियो पढ़ना है पढ़ें, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं है, आपको कोई डाउट है तो आप मैसेज भी भेज सकते हैं। हाँ बस इतना है, आप मेहनत इतनी करें कि हमको भी अच्छा लगे, हमें भी एनर्जी मिलती है आपकी मेहनत से, आपके रिस्पॉन्स अच्छे आते हैं तो हमें अच्छा लगता है, फिर हम और कोशिश करते हैं और मेहनत के साथ जुड़ते हैं आप लोगों से और हम भी अपनी मेहनत को बढ़ा लेते हैं। सिर्फ आप ही हैं जो हमारी ताकत हैं, हमारा मोटिवेशन है, इसलिए आप अच्छा रिस्पॉन्ड दें ताकि मैं और वीडियो बनाता रहूं, शेयर करता रहूं, आपकी पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, कोरोना को पढ़ के हराना है और ध्यान रखना है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना घूमें, फालतू ना घूमें, घर वालों के साथ समय बिताने का मौका मिला है, घर वालों को भी मौका मिला है, इसलिए घर पर ही रहें, इधर उधर ना जाएं। थैंक यू वेरी मच, ध्यान रखें अपना और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ें, जब भी मेरी ज़रूरत है मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।